सो हेलो गाइस, वेलकम टू फोटो व्लॉग 3। हाइकिंग राइट नाउ, सो टुडे आई एम होपिंग आई वुड गेट अ पीकॉक, सो लेट्स सी। सो एवरी डे आई हियर द साउंड ऑफ पीकॉक एवरी मॉर्निंग rather. Today I saw one from my society, so but the time till I get my camera to capture that, the peacock was not there. So now I'm in the woods to capture that. This is quite dense. Can you hear that? I don't see a way down. तो अभी तक तो कुछ नहीं मिला, काफी अंदर तक आ चुके हैं। आई डोंट थिंक आज कुछ मिल पाएगा। आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी माइक के कारण, नॉइस कैंसिलेशन के कारण, पर यहाँ मुझे पीकॉक की आवाज़ तो आ रही है, पर बहुत ज़्यादा डेंस है वो, शायद मैं नहीं जा पाऊँगा उधर। कोई नहीं, आज नहीं इसका मतलब ये थोड़ी होता, कभी नहीं, तो फिर आएंगे अपन और फिर ट्राई करेंगे। मुझे हमेशा इसी चीज़ का डर होता है जब भी मैं फ़ोटो खींचने निकलता हूँ कि वॉट इफ़ मुझे कोई फ़ोटो ना मिले, वॉट इफ़ कुछ सामने हो ही नहीं, क्योंकि हर दिन मैं लकी होता हूँ जब मुझे कोई ऐसा मोमेंट दिखता है, बहुत लकी होता हूँ मैं, तो वॉट इफ़ समडे दैट लक डजंट शो अप, तो क्या। तो मैं जो ढूंढने आया था वो तो मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैं काफ़ी नाराज़ हो रहा था।
और मतलब मैं पिकॉक ढूंढने आया था, पिकॉक नहीं मिल रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि हटाओ यार, इतने सारे अलग अलग बर्ड्स दिख रहे हैं, सारे फूल दिख रहे हैं। काफ़ी बारिश आ रही है तो अब हम जाते हैं रिटर्न। यहाँ पे एक बर्ड था, मैं जिसका फ़ोटो खींचने का ट्राई कर रहा था, शायद नहीं आया वो। तो ये था अपना फोटो व्लॉग थी, और अब मैं जब भी कभी निकलूँगा फ़ोटो खींचने तो मैं रिकॉर्ड करते जाऊँगा। तो फिर ज़रूरी नहीं है कि हर बार कुछ अच्छे फ़ोटोज़ मिले, पर मतलब एक्सपेक्टेड फ़ोटोज़ मिले। फ़ोटो तो मिले अच्छे, पर पिकॉक के नहीं मिले, बट स्टिल कुछ अच्छे बर्ड्स मिले। So, thanks for watching and see you in the next one. Bye bye.